A4ever में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे सामने एक ऐसे मेहमान है जो एक तारीखी शख्सियत है और आज का दिन जो हमारे औरंगाबाद शहर के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए सोगवार का दिन है। आज पूरी दुनिया मातम करना है और आज हमारे एक्टर दिलीप रिजल दिलीप कुमार शहनशाह जज्बा से हम कहते हैं उनका इंतकाल हो गया है और औरंगाबाद से उनकी काफ़ी यादें वाबस्ता है। आज हमारे साथ शब्बीर अहमद अंसारी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। औरंगाबाद शहर में दिलीप कुमार साहब जो आए थे तो वो शब्बीर साहब के इस्तेमाल के लिए आए थे। शब्बीर भाई साहब उनके 18 साल की यादें वाबस्ता है। हम शब्बीर भाई से जानना चाहेंगे कि शब्बीर भाई एक लीजेंड और वो जो 18 साल आपके तहरीक के साथ में रहे, इतना उनकी मसरूफियत थी, इतने उनके काम थे, वो आपके साथ वक्त दे, क्या बातें थी ऐसी जिसने उनको मुतासिर किया और आपके साथ आने पर उन्हें मजबूर किया या वो तैयार हो गए? ये मौलाना सवाल बहुत लोग करते हैं कि इतने मसरूफ़ आदमी दिलीप कुमार साहब जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं रहे, किसी NGO से वाबस्ता नहीं रहे और ना ही किसी तहरीक से उन्होंने कोई काम किया, आपकी तहरीक से वो कैसे जुड़े? बिल्कुल ये बात सवाल सही है। जिस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम OBC ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क में बहुत बड़ा आंदोलन कर रही थी, उस वक्त दिलीप कुमार साहब के पास भी ये बात आई कि एक तहरीक चल रही है जो मुसलमान जो पसमानदा मुसलमानों को उनका दस्तूर का दिया हुआ हक दिला रही है। तो उन्होंने हमको बुलाया और हमसे बातचीत हुई। पहली बार में तो वो तैयार ही नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, इस्लाम के अंदर मसावात है, कहाँ आप ये फिरका और बिरादरी और पसमानदगी निकाल रहे हैं। दूसरी बार मीटिंग हुई है, तीसरी बार में हमने जब उनसे ये कहा कि आप भी OBC हैं, तो कहने लगे मैं तो पठान हूँ, पिशावर से आया हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ OBC, बोले आपके वालिद का क्या पेशा था? तो बोले वो तो क्राफ्ट मार्केट में फ्रूट की दुकान थी। तो बोले हाँ, तो फ्रूट का पेशा जब उनका था तो जिसको बागवान कहते हैं आप बागवान है, बोले हो नहीं सकता, बोले दस्तूर ने यही कहा। देखिए आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले मसावात दी है, मगर हिंदुस्तान का एक दस्तूर है जिसने जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को रिजर्वेशन दिया है, सहूलतें दी है, वही मुसलमानों के लिए भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि देखिए जात पर नहीं है और ना ही धर्म और मजहब के नाम पर है, ये तो सिर्फ जो हमारे को सहूलतें मिल रही है वो क्लास पेशा जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों में माली होता है वैसे ही हमारे पास बागवान है, तेली है, साली है, सुतार है, उनके बाद ये समझ में आए। और ये जो सहूलतें हैं ये मजहब के नाम पे नहीं है, ये आज भी मुसलमानों में गलत फहमी पर है कि मुसलमानों में जात पात नहीं है, इस तरह से नहीं, इतने आज आपके पूरे 40 साल की जिंदगी इसमें लगी हुई है। तो मतलब आप ये समझाने में कामयाब हो गए दिलीप साहब को, ये मजहब के नाम पे नहीं है, ये पेशा है, ये क्लास है, कास्ट नहीं है। बेशक बेशक, और वो समझ गए, मुतमईन होकर उसके बाद में उन्होंने मुसलसल उन्होंने वादा किया कि मैं हमेशा दूंगा और उन्होंने हमारा साथ दिया, इतना साथ दिया है कि पूरे महाराष्ट्र ने पूरे हिंदुस्तान में अंदर जिसमें लखनऊ खास तौर से दिल्ली हर जगह उन्होंने हमारा साथ दिया। और तारीख गवाह है, तारीख है कांग्रेस का 100 साल का, आप इतिहास तारीख निकाल के देखिए, उन्होंने किसी तंजीम किसी पार्टी से कभी उनका अलायंस नहीं हुआ। पहली बार ये जब तहरीक ने बहुत दिलीप कुमार के साथ मजबूती से काम किया तो कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा और उन्होंने हमारे साथ अलायंस की और उसके हमको 5 टिकट मिले। दिलीप कुमार सारे जगह उनके प्रचार के लिए गए, 3 MLA हमारे चुन करके आए, 2 MLA हमारे बहुत मामूली सी तादाद में गिर गए, दूसरे नंबर पर रहे और इस तरीके से पहली बार इतनी बड़ी तादाद में एक अलायंस हुआ और हमारे MLA चुन के आए। और यही नहीं, दिलीप कुमार का मसला ये था कि वो मंत्रालय में हमारे जो मुस्लिम पसमानदाओं की मीटिंगें होती थी तो इतना मसरूफ आदमी वो हर मीटिंग में मंत्रालय में हाजिर होते थे और चीफ मिनिस्टर पर मिनिस्टरों पर बहुत, उसमें विलास राव देशमुख थे, छगन भुजबल साहब थे, देवकत आनंद देवकते थे, सब रहते थे उनके सामने, वो बड़े ताकत से कहते थे कि ये बच्चा जो शब्बीर अंसारी काम कर रहा है इसका काम करो, इसके GR निकालो। हमको बड़ा फायदा हुआ जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र हिंदुस्तान का वो वाहिद एक रियासत है जहाँ मुसलमानों को बेहद फायदा मिला, पॉलिटिकली फायदा मिला, पूरे महाराष्ट्र में मेयर बने, पूरे महाराष्ट्र में नगर अध्यक्ष बने, पूरे महाराष्ट्र में जिला परिषद में लोग आए और ग्राम पंचायत में लोग आए, सरपंच बने, यही नहीं तालीमी हालत में तो इतने आगे निकल गए, IAS ऑफिसर हो गए हैं, IPS हो गए, कई जजेस बने, सैकड़ों जजेस बन गए हैं और कई लोग नौकरियों पर बरसरकदार आ गए हैं। इस तरीके से उन्होंने
उन्होंने हमारा जो मजबूती से साथ दिया और हमारी जब संगठन मजबूत हो गई तो मुसलमानों के बेहद फायदे हुए। मतलब कि ये एहसानात है मुसलमानों पर, खासतौर से जितने अभी अपने शब्बीर बने, गिनवाए कि डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर्स बने, मेयर बने, जिलाध्यक्ष बने, जिला परिषद अध्यक्ष बने, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, माशी तौर पर जो मुसलमानों को रेशन मिला है, जो हुक मिले हैं, जो उनकी तरक्की हुई है, उसमें जहाँ शब्बीर भाई का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें दिलीप साहब का जो है बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी है। तो मैं जब ये दिलीप कुमार जी आपके साथ घूमते थे तो उस वक्त जो प्रस्तावित मुस्लिम लीडरशिप थी तो उनको तो बहुत तकलीफ होती है कि दिलीप कुमार और शब्बीर अंसारी जो जालना का रहने वाला है, जो कि झोपड़ी में जैसे घर रेलवे पटरी के किनारे उसके साथ घूम रहा है, हमारे साथ में घूम रहा है, तो उस वक्त जो लीडरशिप की क्या जी, जिस वक्त मंत्रालय में एक बार मीटिंग हो रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, उस वक्त हुसैन दलवे कैबिनेट मिनिस्टर थे और नवाब मलिक भी थे और नसीम खान भी थे। एक बार जब दिलीप कुमार ने कहा कि इनको पावर्स दीजिए, और जब विलास राव जी देशमुख हमको ताकत दे रहे थे, पावर दे रहे, पावर मतलब ये है कि अगर जो हमने सिफारिश पत्र दिए तो एक्सेप्ट होना चाहिए, प्रूफ बोल के होना, तो ये तीनों लोग बोलने लगे नहीं नहीं फिर हम मिनिस्टर हैं, हमको कौन पूछेगा। दिलीप कुमार बहुत गर्म बन गए और खामोश उन्होंने सिर्फ देखा और विलास राव ने कहा ये हम देखो आपकी मिनिस्ट्री शब्बीर भाई को दे दो, हम कुछ नहीं दे रहे हैं और ये कर रहे। तो इस तरीके का ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत मुखालफत हुई और दिलीप कुमार को बहुत लोगों ने आकर के बहकाया भी, मगर क्योंकि दिलीप कुमार इस बात को समझ गए थे और उन्होंने जब बहुत बुरा वक्त था, जब पूरी मुखालफत हिंदुस्तान में हमारी आर्गनाइजेशन की हो रही थी, उस वक्त दिलीप कुमार ने हमारा मजबूती से साथ दिया। शब्बीर भाई कि हम लोग आरंगाबाद में बैठे हैं और A4 जो है आरंगाबाद का जो है मशहूर चैनल है, इसके जो एडिटर जबीर कादिर साहब काफ़ी साबित जिंदगी है, वो भी OBC से आते हैं, आपने भी काफ़ी जो है मदद की हुई है, तो हम जानना चाहेंगे हमारे आरंगाबाद के नाज़रीन की जो खास तौर से कि आरंगाबाद जब दिलीप कुमार साहब आए और यहाँ दो दिन रहे, कुछ खास बातें कुछ यादें बताइए उनकी। नहीं, औरंगाबाद जब वो आए तो बहुत बड़े खुशी खुशी से वो औरंगाबाद में आए थे, उनका जलसेआम भी हुआ और उनका झालना में भी प्रोग्राम हुआ, उनका यहाँ एकनाथ संत मंदिर के अंदर भी एक एजुकेशन के ऊपर हुआ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने यहाँ की और उन्होंने यही कहा कि जो तहरीक है, मैं आज तक तो कभी किसी से वाबस्ता नहीं हुआ है, मैं आज जो शब्बीर अहमद अंसारी का सत्कार करने आया हूँ, उनका मैंने काम देखा हूँ, इसके लिए आज मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि भाई देखिए औरंगाबाद के लोग सारे लोग, ये क्योंकि बच्चा इधर का ही है, मराठवाड़े का ही है, ये हमारा मुजाहिद है, इसकी तंजीम को, इसको तहरीक को मजबूत क्यों, और औरंगाबाद के तमाम लोग, उस वक्त भी हमारी तहरीक यहाँ थी, वहाँ यहाँ भी सदर थे, सारे लोग हमारे साथ थे, उन लोगों ने हमारा साथ। दिलीप कुमार साहब को राज्यसभा की मेंबरशिप मिली, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी का क्या रोल रहा है? देखिए इसमें तो ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी का सबसे बड़ा रोल था कि बहुत लोगों को राज्यसभा नौजवान जो एक्ट्रेस है उनको दी गई थी, और दिलीप कुमार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़े और जैसे ही हमारे MLA चुन के आए, हमने गवर्नमेंट से डिमांड की कि आप राज्यसभा का मेंबर OBC आर्गनाइजेशन को मिलना चाहिए, तो सोनिया गांधी ने बुला करके दिलीप कुमार साहब को राज्यसभा में मुंतखब किया। एक अपने जिक्र अपने गुफ्तगू में कहा था कि दिलीप कुमार साहब जो है कहीं गए, उन्होंने जिक्र किया कि मेरे पाकिस्तान जो सफ़र में गए थे वो जो है उन्हें सितारे इम्तियाज जो है नवाजा गया था, उस वक्त तो कहा कि सब मेरे पीछे घूम रहे थे, वो कुछ बताइए उनकी यादें किस तरह। निशान इम्तियाज जब उनको मिला तो दिलीप कुमार जब पाकिस्तान पहुंचे और उनका प्लेन उतर रहा था, तो वो प्लेन में जैसे ही उतरे तो उनके आगे पीछे दौड़ रहे थे वहाँ के सदर और वहाँ के वजीर आजम, और वो जैसे दौड़ रहे दिलीप कुमार चढ़ रहे उनके पीछे दौड़ रहे उनके लिए आगे आने के लिए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने आसमान की तरफ अल्लाह से कि ए अल्लाह मैं तो एक भांड हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, तू कब कैसा नवाजता है, कितनी इज्जत देता है, कितनी इज्जत दिया कि सदर पाकिस्तान के, वजीर आजम पाकिस्तान के मेरे पीछे दौड़ रहे, अल्लाह कैसी इज्जत तू देता है। और उसके बाद उन्होंने अपने बंगले में बुलाकर मुझसे पकड़ के इतना रोया कि है शब्बीर मैं तो एक भांड हूँ, मेरा इतना सत्कार, ये सत्कार तो सही तेरा होना चाहिए था, जो तू समाज के लिए 30-32 साल से काम कर रहा है, हकीकत में हकदार तू है। दोस्तों ये है औरंगाबाद जो है दिलीप कुमार साहब के आने की कहानी दास्तान, वो महज शब्बीर अंसारी साहब के इस्तकबाल के लिए आए थे।